राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम फ्रेंच फ्राई बनाएंगे। फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए 4-5 आलू, कच्चा आलू लीजिए, और चावल आटा। अब आलू को छीलकर इस तरह से छीलिए और ऐसा फिंगर चिप्स कटर से काट लीजिए। अगर आपके पास ऐसा कटर नहीं है तो नाइफ से भी ऐसा कटिंग कर सकते हैं, इस तरह से। फिर उसको पानी में डुबा लीजिए, अच्छे से वॉश कर लीजिए जिससे उसका स्टार्च निकल जाए। फिर एक गंजी में पानी गर्म कीजिए और थोड़ा सा नमक डालिए। फिर जो कटिंग किए आलू उसको डालिए इस तरह। आलू को हमको थोड़ी देर तक बॉईल करना है, 5 मिनट तक। उसके बाद छन्नी में निकाल लीजिए। अब एक बाउल में पूरे फिंगर चिप्स को डालकर उसमें चावल आटा मिलाना है। थोड़ा सा नमक मिलाइए और ऐसा पूरा कोटिंग करना है। अच्छे से चावल आटा को मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी डाल लीजिए जिससे अच्छे से चावल आटा आलू में लग जाए। उसको ऐसा टॉस करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम कीजिए, लो मीडियम रखिए और आलू को डालिए। पहले हमें सिंगल फ्राई करना है, इस तरह से हम सिंगल फ्राई करेंगे। तो ऐसा निकाल लीजिए। थोड़ा सा इसी कलर में निकालिए। फिर जब हम सर्व करेंगे उस समय हम इसको डबल फ्राई करेंगे। पहले सिंगल फ्राई करके इस तरह निकाल लेंगे। अब एकदम ज़्यादा हीट में, गरम तेल में इसको तुरंत डालकर डबल फ्राई करेंगे। ऐसा गोल्डन कलर आते तक इसको डबल फ्राई करना है। ऐसा करने से क्या है, फिंगर चिप्स अंदर से सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी हो जाता है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है अभी। इस तरह गोल्डन कलर आते तक फ्राई कर लीजिए। एकदम क्रिस्पी बना है। अब इसको एक प्लेट में टिश्यू पेपर लगाकर निकाल लीजिए। अब इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लीजिए और चीज़ ग्रेट करके डाल दीजिए। थोड़ा सा मैगी मसाला और चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर दीजिए और इसको केचप के साथ सर्व कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। गुड फूड, गुड मूड।